सीबीआई कोर्ट से अमित शाह के बरी होने के फैसले के खिलाफ सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया। इसके पीछे क्या वजह रही और बहुत कुछ दूसरी बातें सुनिए उनकी जुबानी। जन चौक के लिए रुबाबुद्दीन से ये बातचीत महेंद्र मिश्रा ने की है। अच्छा रुबाबुद्दीन जी, ये बताइए, कोई जो है किसी कभी किसी तारीख में अमित शाह पेश हुए थे मुंबई सीबीआई स्पेशल जज कोर्ट में? मेरे ख्याल से हाँ, एकात्म बार हुए होंगे, मेरे ख्याल हुई होंगे, नहीं हुए होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मेरे ख्याल से एकाध बार हुए होंगे, नहीं हुए होंगे। अच्छा, इसमें आगे जो है अमित शाह को चूंकि बरी कर दिया है इस मामले में, मुख्य आरोपी थे, आगे क्या कभी आपने कोशिश की ऊपर अपील करने की हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट? जी की थी, मैंने की थी जी। मुझे विड्रा करने का कारण क्या है, मैंने बता दिया। अच्छा, आपने विड्रा कर लिया उसको? फिर विड्रा करा मैंने, तो उसका कारण मैंने पूछा जज ने विड्रा का कारण, तो इन चैम्बर ने उनको बता दिया कि विड्रा का कारण ये है। नहीं, आप क्या बता सकते हैं कि वो क्या कारण था? नहीं, जज के और मेरी बात होगी, अपने कुछ आम नहीं कर सकता। नहीं, वो तो जज के सामने आपने अपना जो भी कहा, लेकिन क्या कारण वैसे पब्लिकली बता सकते हैं आप क्यों विड्रा किए? ये तो बहुत बड़ा मसला है ना जज के और मेरी, जज की और मेरी इन चैम्बर बात है, मैं उसको नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, ये किस जज को आप बताए थे, कौन वाले जज थे, कौन से किस जज को इन चैम्बर आप बताए थे कि वापस कर रहे हैं? वो अनुजा प्रभा देसाई, प्रभु देसाई। ये हाईकोर्ट के जज थे? हाँ, हाईकोर्ट जज थे, कोई अच्छी जज नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे जज हैं, बहुत बढ़िया ईमानदार जज हैं, ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रहना चाहिए। तो माना जाए कि मतलब आप इशारा कुछ कर रहे हैं इस तरह का जिसमें कि आपके ऊपर दबाव था? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस मैटर पे, इस मैटर बात करना भी नहीं चाहता हूँ मैं। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने लेटर भी लिखा, तो आप चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई हो, आगे बढ़ाई जाए, जांच हो, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद जो है विड्रा कर रहे हैं, तो दोनों चीजें कैसे साथ चल सकती हैं? विड्रा का टाइम हो गया, उसको भी टाइम हो गया, विड्रा करने को टाइम हो गया। बाकी मैं जज जो जो अंजु प्रभा देसाई जज है ना, जो जी उनको अगर भगवान भी कहोगे तो कोई वो खास बात नहीं है, इतने अच्छे इंसान है। अच्छा, हाँ, इतने बढ़िया है। एक बार उनका फिर से पूरा नाम लीजिए, अरुण देसाई, क्या बोल रहे हैं आप? मैं अनुजा प्रभु देसाई। अच्छा, अनुजा प्रभु देसाई, उसके बाद रेवती मेहते डेरे, ये बहुत अच्छी जज हैं, ये भी बहुत बड़े जज हैं जी। इनके पास था मैटर, तो अब इनके पास नहीं है मैटर, ये आया था जी, इनके पास आया और फिर चला गया क्या? अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस का नाम आ रहा उस समय मोहित शाह, मोहित शाह जी, हाँ, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में क्या है कि रिटायर होने के बारे में भी बोलूंगा मैं भी, मैं न्याय मिले कि नहीं मिले, बाकी मेरी समझ कहती है कि न्यायपालिका का स्वागत करूँ जी, मेरा संस्कार, मेरा संस्कार में। लेकिन लेकिन, 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 लेकिन उनके जो है सवाल जो आ रहे हैं, जो उनके उनकी बहन और पिता ने खुलासा किया है, जो 100 करोड़ रुपए घूस के प्रस्ताव था वो जो है इन्हीं की तरफ से आया था, मोहित शाह की तरफ से, आपको लगता है इन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया होगा? हाँ, दिया होगा। अच्छा, इस तरह के थे शख्स? दिया भी होगा इन्होंने प्रस्ताव, बाकी जो अच्छे से होगी मैंने बता दी, अच्छे से होगी बता दी मैंने, इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। वे चीफ जस्टिस हैं और संस्कार में नहीं है कि मैं संविधान का पालन नहीं करूँ, संविधान बनी चीजों का अदब नहीं करूँ, मैं संस्कार में नहीं है, मैं संस्कार में ही है, लेकिन न्यायपालिका का अदब करूँ मैं। अगर आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछूं कि जो जज जिस जज ने बरी किया अमित शाह को, हाँ, तो क्या वो भी कंप्रोमाइज किए, किसी समझौते में गए हो?
जिसने बरी करा उनको, जिसने बरी किया नियमों, हाँ हाँ सारे नियमों को ताक में रख के बरी कर दिया उन्होंने सारे। आखिरी हेलो जी जी, मीर देसाई का आखिरी आर्गुमेंट ये था कि आर्गुमेंट करा था उनके वकील ने, तो कहा था ये ट्रायल का वो है, ये आर्गुमेंट ट्रायल का है, डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता जी, डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता ऐसा क्या था। और सीबीआई तो जो है तवाइफ ने 15 मिनट भी इनसे वो आर्गुमेंट नहीं करा तवाइफ ने, ये नाचने में लगी थी, ये नाचने का पूछो कि तवाइफ को बार वाला है ये, ये बार वाला नाच, मैंने आपसे पहले भी कैसे कहा फिर दोहरा रहा हूँ कि बार वाला है ये तवाइफ, ये जिस बादशाह के दरबार में जाती है उस बादशाह को उसी पसंद का गाना सुनाती है। ठीक हाँ, तो अच्छा जी, इसने इसने कुछ भी नहीं, इसने कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में और कोई खास बात जो आपको लगती हो कि बताना चाहिए हमसे छूट रही है आपसे बातचीत? सभी सभी खास बात, बहुत सी खास बातें हैं, बाकी मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, बात ये है। अच्छा, सभी सभी बहुत खास बातें हैं, मैं आपने महाभारत पढ़ी होगी, इससे आपको मैं महाभारत में ले जाता हूँ। महाभारत में अर्जुन ने हथियार फेंक के भाग गया था जी जी, अर्जुन जी हाँ 29वें अध्याय में आगे बाद में मनाया तो गया ना, फिर लड़ा ना भाई। हाँ 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 सुनो, उनके साथ में कृष्ण भगवान थे, मेरे साथ में कि भगवान नहीं है, क्या बात करते हैं, वो भी वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा। अभी अभी रुबाबुद्दीन जी, अभी इन लोगों का वक्त है, समझ रहे नहीं, अभी इन लोगों का वक्त है, आपका भी वक्त आएगा, ऐसा हम लोग भी यही है देखेंगे, लोग ऐसा नहीं है सब अन्याय ही हो, हाँ सबकी हत्या कराएंगे वो लोग जेल। पहले मेरी बात सुनो जी, आप अगर मेरी बात नहीं सुनोगे मुझे ऐसा लगेगा कि आप अपने ही पक्ष में जाते हैं, बात नहीं सुनने, पत्रकार का काम होता है बात सुनना, और पत्रकार का काम होता है बात सुनना जी, जी। और उसी ऑफिस इतनी बात को आगे बढ़ाना, जितनी बताई उसने इतनी बात को आगे बढ़ाना, ये पत्रकार का काम होता है, ठीक ठीक है ना, ठीक ठीक। आप मेरा मतलब ये कहने का है कि अर्जुन ने हथियार फेंक दिया जी और भाग गए, उनसे पहले उनके एक विचित्र चित्र इनकी आंखों के सामने आया कि लाशें लाशें पड़ी हुई है और बच्चे औरतें बदबू फैली हुई रो रहे हैं और चारों तरफ लड़ाई मची हुई है, तो उन्होंने उस हत्या को फेंक दिया, बोले युद्ध नहीं करूंगा मैं। कृष्ण भगवान ने बोला कि आप समझ गए किसने नपुंसक का उत्तराधिकारी बनाया है, तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनका कुलमंड नष्ट हो जाएगा, मैं युद्ध किसके लिए करूंगा, मैं युद्ध किसके लिए करूंगा, मैं राजशिक्षा करूंगा, और राज तो अपने आते परिवार रिश्तेदार भाई बंधु और गरीबों की सेवा के लिए राज किया जाता है, इंसाफ के लिए राज किया जाता है, क्या छोटी जीवन के लिए राज किया जाता है, मैं राज किस पे करूंगा। तो मैं बोला कि कृष्ण भगवान ने बोला कि तू है असमय ये बातें ना कर, अब राज्यों की लड़ाई नहीं रही है, अब राज्यों की लड़ाई नहीं रही है, अब ये है धर्म युद्ध है, हाँ धर्म की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, अगर तू इसमें युद्ध नहीं करेगा तो अति है और धर्म अति की इजाजत नहीं देता है, ठीक है। इसी बहुत सी बातें बता के उनके, और बोला कि तेरे को किस सोचते, किसने कहा तेरे साथ में, तेरा साथी कृष्ण भगवान ने अवतार लेके आया है, इसी बहुत सी बातें उनको कहते हैं, क्या अब मेरे पास साथी है, बताओ मेरे पास साथी है क्या जी, मुझे बताइए आप, मैं युद्ध तब करूंगा जब मेरे पास साथी होगा, ठीक ठीक, मैं युद्ध तब मैं आपसे आज भी हो रहा हूँ, मैं युद्ध तब करूंगा जब मेरे पास साथी होगा, मेरे पास साथी नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अब ये उसी तरह से बात नहीं आगे है कि एक लड़ाई है सोहराबुद्दीन को इंसाफ दिलाने की नहीं रही है, अब ये राजनीतिक लड़ाई रह गई है, तो मेरे पास कोई राज्य नहीं है, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, तो मैं उसके लिए मैं युद्ध करूं, मैं अब लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई शुरू होगी, जैसे चुनाव आया और ये अमित शाह का नाम आया और अमित शाह नया और ये सारी चीजें खुलना शुरू हुई है अभी, इतने दिन से नहीं, क्योंकि सोहराबुद्दीन का भाई जो केस चल रहा है उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है, अपोलो में एडमिट होता है, सब तो होता है, उसमें एफ आई आर होती है, जमानत बराबर हो जाती है, हाईकोर्ट छूट जाते हैं, हाथ हो जाते हैं, खुल्लम खुला घूमते हैं, घूम रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो आप बताओ ये सोहराबुद्दीन इंसाफ देवन लड़ी रही है या ये सिर्फ राजनीति लड़ी रही है, ये बताओ मुझे आप, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा अला। तो अब आप कोर्ट जाना बंद कर दिए हैं? मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ही आया था, मेरे पे जो अटैक हुआ था मैं उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए आया था, मैं अर्जी दाखिल किया हूँ मैं जमानत कैंसिल करवाने के लिए,
जिन लोगों को जमानत दी थी सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट में जैसे उनके लिया मैंने। उसमें किसका किसका नाम है जो लोग हैं उसमें? उसमें वीएचपी के लोग शामिल हैं इसके अंदर, और उसमें डीजी बंजारा का हाथ है, मगर डीजी बंजारा का इसमें नाम नहीं है एफआईआर में। अच्छा, उसमें गिरफ्तारियां हुई थी पहले? गिरफ्तारी भी टेक्निकल पॉइंट से गिरफ्तारी होती गई, जमानत होती गई, होती गई, होती गई, तो गोलियां चली हैं, सबूत लगा है, सबूत नष्ट करने लगे हुए हैं, पुलिस को पहले खबर कर दी थी कि हमला होने वाला है, उनसे पहले मैंने दस्तावेज चिट्ठी लिख दी थी, उससे 2 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी कि हम लोग हमला कर सकते हैं मेरे पर, सब है। ऐसा कोई सा खुदमानी बच्चा जिसको नहीं बचा है, ठीक ठीक, जिसको मैंने लिखा। तो अभी आपने अर्जी डाल दी सुप्रीम कोर्ट में बेल कैंसिलेशन की? आवाज कट रही रुबाबुद्दीन जी, अब मैं बात करूंगा फिर आपसे, आपका नंबर तो आ ही गया मेरे पास। हाँ ठीक, शुक्रिया रुबाबुद्दीन जी। हाँ थैंक यू सर, मैं बात करूंगा फिर आपसे, होती रहेगी बात।